गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे जय माता दी। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो कैसे हैं आप सभी गाइस? गुड इवनिंग। शाम से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही थी गाइस, तो मैं गई थी छत पे रील बनाने के लिए। मेरे सॉन्ग वीडियो भी आप लोग देखा करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए गाइस, मैंने साड़ी वियर किया हुआ है, तो कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ गाइस, प्लीज़ बताइएगा। देखिए गाइस, साड़ी दिखा रही है मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक यू सालू वीडियो बनाने के लिए। अब मैं जाती हूँ नीचे गाइस, और बाबू मेरा आने वाला है, तो देखती हूँ बाबू को खाना वगैरह खिलाना है। और यहाँ कितनी अच्छी धूप आ रही है ना गाइस। हे गाइस, तो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। जैसा कि यूपी बिहार में होता है, तो हम यूपी से हैं, तो हम बताना है आपको कुछ। तो देखिए, ये है ना जीवतियाँ हैं, ये जीवित पुत्री का जो भगवान होते हैं ना, उनकी मूर्ति है। तो ये बच्चों के लिए होता है, तो हम लोग जीवित पुत्री का व्रत करते हैं ना, तो इसको ना हमने मोती में पिरो लिया है। तो इन मूर्ति को हम अब ज्योति आने वाला है ना, ज्योत पुत्री का व्रत, तो इसको हम लोग कुछ दिन पहले ही पहन लेंगे, और उस दिन इसको गंगा जल से धो के और फिर से पहनेंगे। तो बहुत बार मोतियाँ चेंज भी करा देते हैं बहुत लोग, और हम लोग मतलब मन के ऊपर है। और तो ये अभी हम एक थोड़े दो चार दिन रह गए जीवित पुत्री का व्रत करने में, तो इसको हम पहनेंगे गले में, और फिर उस दिन इसको निकाल के और इसको गंगा जल में धो के और पूजा करके और बच्चे के गले में पहना के, जितना बेटा होता है उनको गले में पहना के बेटा बेटी, और इसके बाद फिर से माँ इसको गले में पहनती है। तो हम लोग के ऐसे होता है, तो इसको मैं गैस पहन लेती हूँ गले में। हे गाइस, तो देखिए मैंने जीवित पुत्री का भगवान की मूर्ति पहन ली है। जीमूतवाहन राजा थे, तो उन्हीं की मूर्ति है, तो इसकी कहानी है। तो जीवित पुत्री का जिस दिन व्रत करेंगे ना हम, उस दिन आप लोग को शेयर करेंगे इसकी कहानी। तो हम मेरा एक ही बाबू है, तो मैंने एक ही जीवित पुत्री का भगवान की मूर्ति बनवाई है। जितने बच्चे बेटा बेटी होते हैं उतनी मूर्तियाँ बनती हैं। तो गाइस, सो मैंने पहन लिया। अब तीन चार दिन बाद जीमूतवाहन भगवान की व्रत आएगा अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन। बहुत जगह एमपी में महालक्ष्मी व्रत भी मनाया जाता है, उसी दिन हमारा व्रत पड़ता है जीवित पुत्री का व्रत हम करेंगे। तो अभी से इसको मूर्ति ये पहने रहेंगे, इसको बिल्कुल नहीं निकालेंगे गाइस। और उस दिन जिस दिन व्रत रहेगा उस दिन निकाल के और इसको फिर से पहन लेंगे, पूजा करके बेटे को पहना के। और इसको ना जैसे हमारे यूपी बिहार में छठ पूजा होती है, तब तक इसको पहने रहते हैं गाइस। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती होगी ना, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए गाइस, प्लीज़ 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 गाइस। हे गाइस, तो यहाँ पे पापा और बाबू की पिक्चर चल रही है डिस्कस। तो देखिए क्या कह रहे हैं गाइस, यहाँ पे चल रही है डिस्कस। तो बाबू को कल मॉडल में मेरे बाबू को सेलेक्ट किया गया है। इसने बहुत सारे मतलब मॉडल बनाए हैं, अभी खुद बताएगा क्या क्या बनाया है। तो इसको कल फाइनली विमान शास्त्र के बारे में प्रेजेंट करना है वहाँ पे। विमान शास्त्र के बारे में वही बोले हैं कि हमारे वेद शास्त्र में पूरा लिखा है, और उसी के अनुसार ही वहाँ पे अपना बताएंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। यहाँ पे बाबू ज्ञान ले रहा है पापा से, और इतने सारे बुक वगैरह खोल के रखा है, तो ज्ञान मिले आपको। रिलैक्स होकर काम करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा तो भी तुमको ही बोलना है, बोलना तो तुमको ही है, तो कोई बात है। हमें पॉइंट की नहीं समझ तो आता है मुझे, लेकिन वहाँ पे ना कॉन्फिडेंस जो आता है तुरंत वीक हो जाता है अचानक से। वीक होता है तो वही मैं बता, वीक होता है प्लस करने के लिए क्या तुमको बताए। हाँ ठीक है, बस पावर पावर मंत्र है माता रानी का, माता रानी आप बताओ, आप ही करो। वीक होने का मतलब सही बात, वीक नहीं हो सकता, माता रानी की बहुत शक्ति है गाइस। जब भी हम लोग प्रिंसिपल में मैं तुम्हें आराम से बोल लिया, उसके बाद जब बोला ना तो आराम से बोल लिया, लेकिन जो टीचर मान लो जो साइंस वाले टीचर हो, सर एक मिनट सर मैं थोड़ा सा मेरा सो। तो तैयार हो ना बाबू, बिल्कुल डरना नहीं है। पापा ने क्या कहा? अभी तो एक घंटा मिलेगा, एक रूम है उसमें एक घंटा मिलेगा, उसमें थोड़ा तैयार हो जाएगा आराम से,
माता रानी का नाम लेना सब हो जाएगा। अभी नहीं, वो जो जज आएंगे ना उससे पहले कुछ लोग आएंगे, कुछ टीचर आएंगे, वो क्या करेंगे कि वो पूछते रहेंगे। अच्छा, तो सर बोले कि जो टीचर नॉर्मल आएंगे उनको बताते, जज बाहर से आएंगे। हाँ, जज आएंगे और टीचर भी आएंगे, पेरेंट्स भी आएंगे वहाँ पे। हाँ, पेरेंट्स आए लेकिन टीचर ही आएंगे। तो हम लोग को तो अलाउ नहीं है जाना। तो गाइस वो दूसरे स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ पे जज वगैरह आएंगे, वहाँ के बच्चे जो होंगे उनके पेरेंट्स आएंगे, पर हम लोग को नहीं जाना है। बाबू को कल 6 बजे निकलना है और इसके बाद ये आएगा शाम को 5 बजे। अब देखिए क्या होता है, लेकिन इसकी तैयारी अच्छी है। मैंने खुद देखा था इसके मॉडल, मैंने इसके मॉडल देखे थे, इसने बहुत अच्छे बनाए हैं, सर ने दिखाया था। फिनिशिंग तो पूरी है, फिनिशिंग के हो जाएंगे, क्वेश्चनिंग के, यानी जो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दो उसका आंसर है मेरे पास। और तीसरा है आपका वो एक्सप्लेनेशन, बस उसमें थोड़ा है, और फाइल भी ठीक है, तो बस एक्सप्लेनेशन एक जो है एक चीज़ है, और सब तो ठीक है। और हो जाएगा, हो जाएगा, ऑल दी बेस्ट हो जाएगा। माता रानी के नाम लेना सब हो जाएगा। आप सब फिर माता रानी का नाम लीजिए, सारे काम हो जाएंगे। वो आ जाती हैं, खुद आती हैं, हेल्प करती हैं। मेरे बाबू को खुद उन्होंने ही आगे बढ़ने की शक्ति और दिमाग दिया है, उनकी बहुत कृपा है हमारे पे। माता रानी बहुत बहुत कृपा करती है।